नमस्कार, लवली आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लवली आर्यावर्त, मैं संतोष कुमार। आज जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है बिहार के मधुबनी जिला के कुडोना प्रखंड के दुर्गीपट्टी पंचायत के दुर्गीपट्टी गांव से, जहां भारत सरकार द्वारा आयुष्मान हॉस्पिटल के निर्माण के बारे में माननीय सांसद आरपी मंडल का क्या कहना है और मधुबनी जिला के डीएम अरविंद कुमार वर्मा से जब हमारे लवली आर्यावर्त के रिपोर्टर ने बात की तो उनके बारे में जो आयुष्मान हॉस्पिटल का निर्माण दुर्गीपट्टी गांव में होगा, इनके बारे में मधुबनी जिला के डीएम का क्या कहना है, देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट। अस्पताल का जो कार्य होगा कब तक पूरा होगा सर? नहीं, ये तो यहाँ से जमीन चिन्हित करके उसको भेज दिया गया है। जी जी। अब मेडिकल कॉर्पोरेशन जो है वो काम शुरू करेगा। अभी जैसा कि अंचल अधिकारी ने बताया कि उनकी टीम आके देख भी चुकी होगी, तो कॉर्पोरेशन की एंगेजमेंट पे है। हम लोग प्रयास करेंगे जल्दी शिलान्यास और काम प्रारंभ हो, तब उसके बाद जो समय लगता है हमें लगेगा उसमें जी। कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी कार्य शुरू। जी धन्यवाद। हमारे जिला पदाधिकारी उस टाइम के भी राजेंद्र जी को मैंने लाया था 16 दिसंबर 2004 को, उनको अनुरोध करके लाया था कि स्कूल का उद्घाटन हो। उन्होंने इस गांव के लिए बहुत प्रयास किए थे। उसके बाद एक साल पहले, इससे पहले जो हमारे अमित कुमार जी जिला पदाधिकारी से भी आए और हम लोगों को जिला से भारत सरकार द्वारा एक आयुष्मान हॉस्पिटल का निर्माण का निरीक्षण करने के लिए जगह का भी सिलेक्ट किए हैं। ये सारी बातें क्योंकि साहब को जो हमारे जिला पदाधिकारी को वोट दूर जाना है, वोट की जगह जाना है, पहला समय लेते नहीं लेते हुए मैं यही कहूंगा इन लोगों से कि हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं झगड़ापुर क्षेत्र में, खास करके नल जल योजना। तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल योजना और उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे माननीय मुखिया जी लोगों के पर दिए, लेकिन कहीं कहीं जो है पानी का समस्या रह गया, सफलता नहीं मिली। और हमारे जो विद्वान नौजवान हमारे जिला पदाधिकारी हमारे बेटा जाए हैं उनसे बहुत बड़ी हम लोग उम्मीद करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि जहां भी नल जल योजना चालू नहीं है दिखते हैं लोगों को, स्कूल में सर सफाई नहीं है, रोड नहीं है, आपसे मैं यही आग्रह करूंगा इस मंच के माध्यम से। आप बेगूसराय से आए हैं, अब बेगूसराय में जो ये आपका कृत और जो आपने काज किया है पूरे बिहार में सराहनीय और पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारी जनता, हमारा जो दुर्गीपट्टी पंचायत और हमारे कुटौना प्रखंड साथ साथ झंझारपुर और मधुबनी जिला के वासी जितने भी जनता जनार्दन है आपसे बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं। आशा रखता हूं मैं कि आप हम लोगों को उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल योजना उसको सफल बनाने में सहयोग करेंगे। जोर से ताली बजाकर फिर आप लोग इनको स्वागत कीजिए। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, यही कहूंगा आप लोग भी सहयोग कीजिए हमारे माननीय मुखिया जी उमेश दास जी को, नौजवान मुखिया जी हैं। एक गुजारिश करूंगा आप लोगों से, नल जल योजना में पीने का पानी का जो व्यवस्था किया गया है, मैंने देखा पूरे झंझारपुर क्षेत्र में जहां जहां भ्रमण किया हो लोगों ने पाइप से अपने गाय का नहलाने का काम करते हैं, भैंस का नहलाने का काम करते हैं, लाखों लीटर पानी हमारे बिहार में बर्बाद हो रहा है। पानी की बहुत जटिल समस्याएं हैं, पर पीने का पानी को अपने घर में यूज कीजिए ताकि मवेशी को नहीं नहलाइए, उनको फोकड़ा में नहलाइए, नदी नाला में नहलाइए और उसको जो है उस पानी को अच्छी तरह इस्तेमाल कीजिए ताकि हमारे भविष्य में हमारे बच्चे को किस तरह की बीमारियां नहीं हो। इतना ही कहकर के मैं अनुरोध करूंगा जिला पदाधिकारी से कि आपने आदर्श पंचायत का घोषणा किया है, मैं सुना हूं माननीय मुखिया जी द्वारा, उसके लिए मैं तहे दिल से हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और अनुमंडल पदाधिकारी के साथ साथ मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस काम में सहयोग किया है और आदर्श पंचायत बनाए हैं। आपसे अनुरोध यही करूंगा अभी बगल में ये मैदान के बगल में आप सरोवर अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा है।
वही जो है 14 नंबर वार्ड का नल जल योजना का भी प्रगति है पानी का, उसका आप अवलोकन करें। 13 नंबर वार्ड आपके सामने है, अगर आप चाहें 14 नंबर आपके पीछे पश्चिम साइड में है और 12 नंबर नल जल योजना चालू है किसी कारणवश। इससे पहले जो वार्ड सदस्य थे या ऊर्जा जी थे उनके द्वारा जो है कम्प्लीट नहीं हुआ, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस गाँव में जो भी कमियां रह गई है आप शीघ्र से शीघ्र इसका निष्पादन करने का कृपा करेंगे। इतना ही कर करके मैं फिर महत्वपूर्ण पट्टी वासियों की तरफ से, बरनापुर वासियों की तरफ से, पूरा जिला वासियों की तरफ से, कुटोरना प्रखंड की तरफ से बहुत बहुत महंगाई की आभार गहराई से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो तमाम जो अनियमितता जो है ज्यादातर देखा गया है, नल से पानी टपक नहीं रहा है, और इसमें जो हम लोग और तमाम लोग जो देखा है कि जो मटेरियल है वो डुप्लीकेट उपलब्ध कराया गया था, जिसके कारण आप जब देखेंगे तो तमाम जो चाहे वो टंकी हो, पाइप हो, छत बिछत हो गया, कहीं दुरुस्त नहीं है, तो ये जो है सबसे बड़ी कारण है फेल्योर होने का। तो क्या जो यानी कि ठेकेदार या जो भी कंपनी मुहैया कराया है ये मटेरियल, उसके ऊपर कानून कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? नहीं, इसमें देखिए यही चीज बता रहे थे, शायद आप सुने नहीं, ये इसके कई जगह पे क्रियान्वित नहीं हो पाई योजना, उसके अलग अलग कारण है। कुछ जगह पे निर्माण सामग्री भी खराब रही है, कुछ जगह पे मोटर खराब हो गया है जो समय के साथ पहले चल रहा था, कुछ जगह पे पाइप जितना फिट गहराई पे गाड़ना तो नहीं गाड़ा गया है, तो थोड़ी थोड़ी कारण है छोटे छोटे, कहीं बड़े कारण भी हैं। उसका समीक्षा करके निश्चित रूप से जो अभी बात आपको सुनने नहीं लग रहा है उसमें मैंने यही क्लियरली कहा कि एक एक वार्ड का इसमें समीक्षा करना पड़ेगा कि किस कारण से बंद है और उसको उसका समाधान निकालना पड़ेगा कि आगे किस मत से उसको कराया जाए, और अगर कोई व्यक्ति उसके लिए दोषी है, कुछ तो होता है नेचुरल कारण होता है, प्राकृतिक कारण से बंद हो गया है वो तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दोषी है निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी चीज के लिए ये यहाँ पे निरीक्षण के क्रम में भी आज कुटौना मीडिया साहब ने बताया और जनरल पत्र भी हम लोग निकाले हैं कि हर सप्ताह एक एक पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ और वार्ड सदस्य के साथ बैठ के चर्चा करें, एक एक कारण उसमें पता करें किस कारण से खराब है और क्या समाधान। हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे और साथ ही साथ आप लोगों के माध्यम से लोगों से भी अपील करेंगे, सभी निवासियों से, पूरे जिला वासियों से, कि अगर कहीं पर फंक्शनल होता है तो मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है कि शुल्क उसका 30 रुपए प्रति परिवार दे ताकि मेंटेन हो सके, अदरवाइज एक बार खराब होकर बंद होकर छूट जाएगा सारा सामग्री, वैसे खराब हो जाएगा, कभी ये सस्टेनेबल होगा।